वेलकम टू accountingbaba.com। मैं हूं आपका होस्ट एंड ट्यूटर सीए नीरज शाह। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टेली सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक बातें जानी और इस वीडियो के अंदर हम टेली सॉफ्टवेयर का रियल इस्तेमाल करके देखेंगे, उसमें ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करके देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको टेली का डेमो वर्जन डाउनलोड करके इस ट्रांजेक्शन की खुद प्रैक्टिस करनी है, जो हम रेकमेंड करते हैं कि आपको करना चाहिए, तो डेमो वर्जन डाउनलोड करने की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जिस ट्रांजेक्शन्स को हम आज एंटर करने वाले हैं, उस ट्रांजेक्शन की जो डिस्क्रिप्टिव फाइल है, वो फाइल भी आपको वीडियो के नीचे लिंक से मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले डेमो वर्जन डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल कर ले, साथ साथ में ट्रांजेक्शन की भी जो फाइल है वो डाउनलोड कर ले, और मेरे साथ साथ आप भी अपने लैपटॉप के ऊपर एंट्री वाइज एंट्री प्रैक्टिस करते जाए। अगर आप मेरे साथ साथ एंट्री करेंगे तो ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको भी वो एंट्री कैसे करनी है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम जो अकाउंटिंग एंट्रीज करने वाले हैं, उस अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर मैंने GST को भी इंक्लूड किया है। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग एंट्रीज लिखी है। हमारे पास टोटल आज 12 एंट्रीज है, 12 एंट्रीज, जिसमें GST के बारे में, TDS के बारे में, इनकम के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, जितने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो सकते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने बात की है। ये PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगी। इस लिंक को आपको क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर लेना होगा, जिससे ये कॉपी आपके लैपटॉप में भी आपको मिल जाएगी। फाइन, चलिए देखिए, यहाँ पे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है और पहले हम टैली की विंडो में चले जाते हैं। टैली में जैसे ही आप टैली शुरू करोगे तो आपको जो फर्स्ट विंडो दिखेगी उसमें ये ऑप्शंस आएंगे जो आप बेसिक में सीख चुके हैं। दोस्तों, हमने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट करके रखी है, मैथ्स एंड कंपनी। चलिए उसी कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो देखिए, हमने जो कंपनी क्रिएट की थी वो आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज में दिख जाएगी। मैसर्स मैथ्स एंड कंपनी हमने पिछले वीडियो में ये क्रिएट की थी, उसके ऊपर एंटर कर लेते हैं। तो अगेन गेटवे ऑफ टैली की मेन विंडो आ जाती है। अब हमें इसमें वाउचर एंट्री करना क्रिएट करना है। वाउचर एंट्री जब मैं आपको समझाऊं तब आप बहुत अच्छी तरह ध्यान दें, क्योंकि मैं वाउचर एंट्री करते वक्त क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हम वाउचर कैसे सिलेक्ट करेंगे, वाउचर एंट्री करने के शॉर्टकट्स कौन कौन से हैं, ये सभी चीज़ें एक साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए पहले मैं चला जाता हूँ अपनी ट्रांजेक्शन फाइल में। हमारी ट्रांजेक्शन फाइल के अंदर आप देखिए तो 1/4/2018 का जो पहला ट्रांजेक्शन हमने लिया है वो ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टिंग एंट्री का, यानी कि हम एक नया बिजनेस अभी शुरू करने वाले हैं और उसकी एंट्री हम करने वाले हैं। देखिए इसमें लिखा है, मिस्टर अल्फा स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग 10 लाख ऑफ कैश इन द नेम ऑफ मैसर्स मैच स्टोर्स। यहाँ पे मैच स्टोर्स नाम लिखा है, हमने उसको मैथसन कंपनी नाम दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यूँ समझिए कि ये मैथसन कंपनी में ही एंट्री होने वाली है। मैसर्स मिस्टर अल्फा स्टार्टेड राइट कैश ब्रिंगिंग 10 लाख। चलिए इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से इसको समझे तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, एंड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यही एंट्री अगर हमें टैली में करनी है तो हम कैसे करेंगे। टैली में आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर, और अकाउंटिंग वाउचर्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए कि बिजनेस में पैसा आया है, 10 लाख रुपया आया है, तो उसकी एंट्री हमें रिसीट के वाउचर में करनी पड़ेगी। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो अलग अलग वाउचर्स के अंदर आपको F6 के सामने रिसीट लिखा हुआ दिख रहा है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या तो सिंपली कीबोर्ड पे F6 प्रेस कर सकते हैं, जिसे रिसीट का वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए रिसीट के वाउचर में लेफ्ट हैंड साइड पर रिसीट लिखा हुआ है, ये नंबर 1 जो है वो वाउचर का नंबर है कि हमारी ये पहली एंट्री है। राइट हैंड साइड पे मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन की डेट दिखेगी। ये डेट हम चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, और इसको चेंज करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से F2। देखिए हम F2 जैसे प्रेस करेंगे तो हम वाउचर की डेट चेंज कर सकते हैं। हमारे इस वाउचर की डेट 1 अप्रैल ही है तो हम इसको चेंज अभी नहीं कर रहे हैं, बट ध्यान रखिए डेट चेंज करने का जो शॉर्टकट है वो कौन सा है, F2। देखिए आपको अकाउंट पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट से आपकी रिसीट हो रही है, कैश से हो रही है या बैंक से हो रही है, तो इसमें हमें लिखना होगा कैश। और आपको मैंने जैसे मैंने बताया कि कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, खाली हम इसमें कैश टाइप करेंगे तो बाजू में एक विंडो ऑटोमेटिक खुल जाएगी
जिसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर में कैश अकाउंट। एक बात का ध्यान रखिए कि रिसीट वाउचर में ये अकाउंट की जो छोटी सी विंडो है उसमें हम या तो कैश या तो बैंक लिख सकते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपकी रिसीट होती है तो किससे होगी, या तो कैश में पैसा आएगा या तो बैंक के थ्रू पैसा आएगा, राइट। तो कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पर्टिकुलर्स में हमें लिखना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारा दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कैपिटल अकाउंट है। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दिया था, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, वरना हमें कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना पड़ता। वो आगे जब हम बाकी के अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी कैपिटल अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अमाउंट की कॉलम में मुझे एंटर करना है 10 लाख रुपीज़। तो जैसे ही मैं अमाउंट कॉलम में 10 लाख लिख देता हूँ, मेरी एंट्री पूरी हो जाएगी। एंटर करूँगा तो मुझे नरेशन पूछेंगे। नरेशन मतलब आपको ब्रीफ देना है ट्रांजेक्शन का, कि ट्रांजेक्शन किस बारे में है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो हमने सिंपली एक नरेशन लिख दी जिससे पता चला कि ये ट्रांजेक्शन कैपिटल लाने का ट्रांजेक्शन है। एंटर करके आपको पूछेंगे यस और नो, आपको यस पे क्लिक करके ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट किया, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से क्या असर देगा, एक तरफ कैपिटल बढ़ेगी और एक तरफ कैश बढ़ेगा। सी प्लस एल वाली जो साइड होती है उस पर कैपिटल बढ़ेगी और ए वाली एसेट वाली जो साइड होती है उसमें एसेट्स बढ़ेगा। चलिए ये चीज़ देखते हैं हम कि सॉफ्टवेयर कैसे ये हैंडल करता है। एस्केप प्रेस करके आप बाहर निकलते जाइए और गेटवे ऑफ टेली में पहुँच के आपको बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करना है, या तो सिंपली कीबोर्ड से बी प्रेस करना है। देखिए बैलेंस शीट को मैं अल्टर F1 करके डिटेल में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप चेक कीजिए, यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है, हमारी बैलेंस शीट दोनों तरफ आपको 10 लाख रुपये दिखा रही है। क्या मतलब हुआ इसका, जो मैंने कहा था कि कैपिटल अकाउंट सी प्लस एल साइड पे होगा उसमें 10 लाख इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक तरफ कैश अकाउंट में भी 10 लाख इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यही सॉफ्टवेयर की खासियत है कि आप सिंपल एक एंट्री करते हो और सॉफ्टवेयर उसमें से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी सब लेजर अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। एक अच्छे अकाउंटेंट को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग एंट्री क्या है और कैसे होती है, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ही हैंडल कर लेता है।